हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा फ्रॉम स्वास्तिक पब्लिक स्कूल. वी हैव स्टडीड अ सिंगल चैप्टर ऑफ सिविक्स विच इज़ डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, बट बाय द CBSE बोर्ड वी हैव अ न्यू सिलेबस हेयर विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इन दिस सिलेबस वी डोंट हैव डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. इट वॉज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, बट नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, देर इज़ नथिंग लाइक डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. सो आई एम शेयरिंग द सिलेबस ऑफ 9th क्लास विद यू. सो जस्ट कीप द सिलेबस ऑन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट राइट डाउन द सिलेबस ऑन योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट ignore the first chapter which I have taught you earlier. So here are 20 chapters of whole syllabus. First is the French Revolution, and the second chapter is socialism in Europe and the Russian Revolution. Third is Nazism and the rise of Hitler, and fourth is forest society and colonialism, and the अदर वन इज़ पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ये पूरा का पूरा जो है आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, एंड इसके बाद जो आता है फिर वो आपका जियो का आ जाता है, लाइक इंडिया, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हिस्ट्री में आपके 8 चैप्टर्स थे, जिनमें से 3 को काट के इन्होंने 5 कर दिए हैं. तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपकी हिस्ट्री के हैं, जिसमें से हमारा बैड लक है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था वो, बट इट्स गुड बिकॉज कुछ क्लास ही वेस्ट हुई हैं, बट वो जो चैप्टर था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. आई एम हैप्पी कि वो अब नहीं है, ताकि आपको ये जो चैप्टर्स हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे. देन आफ्टर इसके अलावा अगर हम जियो में बात करें तो ये 5 चैप्टर हमने जियो में देख लिए. जियो में आपका पॉपुलेशन भी है, तो 6 चैप्टर जियो में हैं आपके. उसके बाद आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. एंड ये सिर्फ 4 चैप्टर जो हैं आपके, वो आपके हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर. उसके बाद सिविक्स पे आ जाते हैं. सिविक्स में है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. फिर अदर वन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, देन है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फिर है वर्किंग इंस्टीट्यूशन, एंड लास्ट वन इज डेमोक्रेटिक राइट्स. तो टोटल आपके 28 चैप्टर थे 9th में पूरे कोर्स में, और अब इन्होंने उन 28 चैप्टर्स को कट करके आपके लिए सिर्फ 20 चैप्टर्स रखे हैं. तो आई होप आप बहुत खुश होंगे. तो जस्ट इग्नोर द अर्लियर वीडियोस, अब आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, और जो 20 चैप्टर्स हैं अब हम इसको एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे. आई विश कि आपको ये सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए. आपको इस सिलेबस को नोटबुक पे लिखना है और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करना है, देन आफ्टर उसको व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करना है. आपको लिखना है कंप्लीट सिलेबस ऑफ 9th क्लास, और उसके बाद उसको लिखना है 20 चैप्टर्स को पूरे. आपको जो मैंने बताया था कौन सा हिस्ट्री का है, कौन सा जियो का है, विच वन इज़ फ्रॉम सिविक्स और विच वन इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक्स, वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है, देन आफ्टर आपको वो व्हाट्सएप करना है मुझे. यही आज का आपका होमवर्क है, कोई कॉम्प्लिकेटेड होमवर्क नहीं है. इतना कम इसलिए आज आपको बता रही हूँ ताकि आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पार्ट वाइज आप उसको लिख पाएँ, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें. ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए आपको जल्दी करके मुझे आज शाम को ही सेंड करना है. थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप ऐसा करते नहीं हैं.